बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी पढ़ाई कब तक हुई है, मतलब कहाँ तक आप पढ़ाई की आप दोनों ने। तो हमारी पढ़ाई मतलब मैं तो 10वीं फेल हूँ, तो अभी रिद्धि आपको बताएगी रिद्धि ने कहाँ तक पढ़ाई की है। मैं भी 10वीं फेल हूँ। बहन जो कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो नब्बियों का, बोल तो ऐसे ना जैसे टॉप किया हो दोनों टेंथ में, और सर में तो आई नहीं रही होगी बिल्कुल भी। हम दोनों ही नहीं कि 10वीं फेल होने के बाद पढ़ाई नहीं की, इधर हमारे जैसे काफी सारे लोग हैं जहाँ मतलब जिसने 10वीं फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी सभी लोगों ने। हाँ सर मंगाएगी भी क्यों, पूरा गांव जो फेल हो रखा है और देख रहे हो इनके गांव के बच्चे इनसे इंस्पायर होकर टेंथ फेल हो रहा है। भाई साहब इनको कोई रोको, क्योंकि इनका गांव तो धर्म संकट में, अभी तो बच्चे इनसे इंस्पायर होकर सिर्फ 10वीं फेल हो रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि वो इनसे इंस्पायर होकर शादी कर ले, फिर तो इनके गाँव वाले इंटरनेट का कचरा कर देंगे, फिर ये इनकी जैसी धमकी देंगे। ये हमारा यूट्यूब पे लास्ट ब्लॉग है, आज से हम वीडियो नहीं बनाएंगे यूट्यूब पे, क्योंकि हमने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तब आप सभी का प्यार बहुत था, आपने बहुत सपोर्ट किया, और अभी आपका धीरे धीरे सपोर्ट भी और आपका प्यार भी कम हो रहा है, तो अभी हम यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक होगी तो हम आगे वीडियो बनाएंगे, वरना ये वीडियो यूट्यूब पे हम वीडियो नहीं बनाए तो मत बनाओ ना। और निब्बी देवी लोगों का सपोर्ट नहीं, यूट्यूब का एल्गोरिथम गड़बड़ हो गया। खैर ये सब छोड़ो, अपने टॉपिक पे आते हैं। नहीं पहले इनकी ये बात और सुनो, लेकिन पहले मेरी एक बात सुन लो, इनकी बातों से कोई इंस्पायर नहीं होगा। क्या कर रहे हैं? मैं वीडियो नहीं बनाते थे उससे पहले, क्या करते थे आप? तो पहले रिद्धि बताएगी आप, मतलब हम क्या करते थे वो बताओ सबको। तो ये ट्रैफिक पुलिस में जॉब करते थे और मैं घर पे ही रहती थी। नहीं हम ही चूतियां बहन जो 12th पास करके कॉलेज कर रहे हैं और जॉब तो 10वीं फेल वाले ले जा रहे हैं। अगर 10वीं फेल होने से जॉब मिलती है तो सर पहले से आप कहाँ थे? अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं तो 12th में भी पास हो गया। अच्छा हुआ जो आपका ब्लॉग आपके ट्रैफिक पुलिस वालों ने नहीं देखा, नहीं तो जिस ट्रैफिक पुलिस में काम करते थे वही ट्रैफिक इक्विपमेंट उठा के तुम्हारी गांड तोड़ देते। इन्होंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, इनके पास बहुत सारे भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि रिद्धि प्रेग्नेंट है क्या? तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, वो थोड़ा सा मेरा पेट बाहर निकला है। तो रिद्धि का टमी थोड़ा बाहर आ गया, तो आपको सबको ऐसा लग रहा है कि रिद्धि प्रेग्नेंट है? तो मिल गया जवाब, वो प्रेग्नेंट नहीं है। और हराम ये तुम ब्लॉग देखने आते हो या पेट देखने? मतलब इनके ब्लॉग कुछ और ही सीन चल रहा है और इनकी ऑडियंस देख कुछ और ही रही है। इनकी इस वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, इसे देखने के बाद फिर इनकी ये वीडियो आती है। तो सहवाग पापा बनने वाले है और अभी रिद्धि मम्मी बनने वाली है, और हम दोनों बहुत खुश है कि अभी रिद्धि मम्मी बनने वाली है और मैं पापा बनने वाला हूँ। तो फिर रिद्धि सहवाग मम्मी पापा बनने वाले है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई इससे आगे भी तो कुछ बोल। नहीं 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 मैं अपने वर्ड वापस लेता हूँ, और कितने आगे बढ़ेगा, पाप करने की उम्र में ये बाप बन रहे, बस इसी दिन के लिए हम जिंदा थे, अब तो मेरा जीवन सफल हो गया, बस आपको ये 1 किलो जेल ला दो, अब नहीं जीना मुझे इस दुनिया। हम जिस उम्र में सुबह शाम पापा की गाली सुन के खुश हो जाते थे, उस उम्र में ये पापा बनने पर खुश हो रहे। तो बस यार भाई लोग वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।